मैं तेरी हेल्प करती हूँ। जैक्स, कुछ सोच ना, वरना जिंदगी भर मुझे यही काम करना पड़ेगा। सोच रही हूँ दी, सोच रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग भी इस कटोरी की तरह बिल्कुल खाली हो रखा है, क्या करूँ? हे भगवान, मुझे अभी भी टेबल भी साफ करना है। जैक्स प्लीज। मैं कर रही हूँ दी, मैं कर रही हूँ, तू जा, जा। बेटा आ गए तुम? क्या बात है माँ, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। और बुखार भी है। तो फिर आप इतना काम कर क्यों रही हैं माँ? मैं आपको ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकता। शिवू, मैं तुम चुप रहो, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ, और खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश भी की जाए। मॉम, आपको तो बुखार है। है ना, है ना, मैंने कहा था मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ मौसी, मॉम ने दवा ली। काय की दवा, बताती तुझे दवा के नाम पे क्या दिया। रुक जा। ये बात मैं कैसे भूल गई, इस मुसीबत से निकालने का एक ही सहारा है, उदय। अगर मैं उदय का इस्तेमाल करके लाजो को उदय, मेरी कमाल। तुम लीजा के दम पर इतना उछल रही थी ना लाजो, लेकिन तुम्हारा वास्ता तो उदय से है, और अब उदय तुम्हारी वो हालत करेगा कि तुम्हारी वेल विशर लीजा खुद मुझसे आकर कहेगी कि चाची ये काम वाम करना बंद कर दो। मम, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने घर का सारा काम अपने हाथों में क्यों ले लिया है? घर में नौकर नहीं है क्या? दसो दसो बताओ दीदी। अब नौकर के भरोसे तो घर नहीं छोड़ा जा सकता है ना, और फिर घर का काम करने में कौन सी शर्म। वैसे भी घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहमान की तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ने आते हैं। हाँ, मैं तो सब साफ साफ कहूंगी, ये जो यहाँ खड़ी है ना, तब से सुबह से मेरी दीदी एक टांग पे खड़ी होके पूरे घर का काम कर रही है, लेकिन मजाल जाए ये लड़की एक बार भी सामने आई हो और कहा हो मम्मी जी मैं घर का काम कर दूं, मम्मी जी, ना ना, मुंह से नहीं फूटा गया उससे। मौसी, हमें किसी का एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है, 5,000 में नौकर मिलते हैं, मैं कल ही नया नौकर रख दूंगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? Shut up, Lisa. It's none of your business, okay?
तू आराम कर, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी दी को। जा 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 बेटा। लाजवंती, एक ही पल में उदय जी ने मुझे कैद बना दिया, लेकिन इसके लिए सिर्फ उदय जी ही नहीं, मैं खुद भी जिम्मेदार हूं। कौन सा बेटा अपनी माँ की ये दुर्दशा देख सकता है? हम लोगों से गलती तो हुई है, हमने बड़ों का अपमान किया है। लाजवंत जी, मैं तुम्हारा फीलिंग समझता है, बट लाजवंत जी, रिस्पेक्ट उसको दिया जाता है जो उसका लायक होता है, और जो हम लोग का इंसल्ट किया है, जो हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं दिया है, हम लोग उसको रिस्पेक्ट कैसे दे सकता है? नहीं लीजा जी, हमें बड़ों में बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। मैं तो बचपन से सुनती आई हूँ, बुरा जो देखकर न चलिया, बुरा ना मिलिया को, जो दिल खोजे अपनो, मुझसे बुरा ना कोई। ऐसा बात हम लोग को कमजोर बनाता है, और तुम कमजोर होकर अपना पोजीशन नहीं पा सकता लाजवंती। लाजवंती, रेखा आंटी को रियलाइज होने दो। मैं किचन में जाकर देखता है कि वहां पर क्या हो रहा है, और तुम अब नहीं रोएगा। हे वाहेगुरु, लीजा जी के कहने पर जाने अनजाने में मुझसे कोई पाप हो गया हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? तेरे में ना अक्कल नाम की चीज ही नहीं है। देख रही है कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन तुझे तो मजाक सोच रहा है। ये ले प्याज काट। लेकिन वो प्याज काट बोला ना जी। पूरी फंसी, मैं यहाँ आई ही क्यों? रहने दे अंजना, मैं काट लूंगी। Thank you.
मॉम आप अब है? मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो गया तू? नहीं वो मैं उदय को एक्सपेक्ट कर रहा था। ये सारे कपड़े कितने बिखरा के रखे हुए? नहीं ममा ये शर्ट ही तो है, छोड़ दीजिए ना इसको आप। तुझे कहीं बाहर जाना है क्या? नहीं मुझे बाहर क्यों जाना होगा, मैं तो यहीं पे रहने वाला हूँ और शर्ट को अंदर डालने वाला हूँ बस। आप जाइए ना। क्या बड़बड़ा रहा है? जा तू तैयार हो, मैं तेरे कपड़े समेट देती हूँ। नहीं मैं तो तैयार हूँ ना, मैं इसको कर दूंगा। चार ही तो शर्ट है, आइए आप। क्या हो गया तुझे? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, आप जाइए ना। मुझे भगा भी रहा है तू। अरे घर का काम आप क्यों करे, मैं करूंगा ना, आप जाइए। बाय माँ। क्या पहनूं लाजवंती, आई एम कंफ्यूज्ड, प्लीज हेल्प मी। आप अभय जी से मिलने जा रही है ना? तो फिर तो आपको ही तय करना पड़ेगा कि आपको क्या पहनना है। लाजवंती, व्हाट अबाउट दिस वन? मैं अभी रेडी होकर आता है। लाजवंत जी, मैं कैसा लग रहा है? लीसा जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक्स लाजवंत जी, मैं जाता है। एक मिनट लीसा जी, एक मिनट रुक जाइए। अब आप जल्दी से जाइए, बाहर कोई नहीं है। ओके बाय। ये एक सुहागन यानी कि मैरिड वुमन की निशानी होती है, और जब एक पति अपनी सुहागन से पहली बार मिलता है तो ये चुनरी उड़ाता है। पहली बार? You mean first time? But अबे, हम लोग तो पहली बार नहीं मिल रहा है। इतने दिनों की दूरी के बाद तो it's as good as the first time। और ये चुनरी ओढ़कर मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि ये हमारी सुहागरात है, और आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। लीसा जी, कम से कम आप अभय जी के साथ हैं, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तुम्हें भुला नहीं पाया हूं लाजवंती, और ना ही भुला पाऊंगा। अभय और लीसा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और आज के बाद
मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। लेकिन मम्मी जी मुझे नहीं चाहती। उन्हें तो मैं मना लूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे मनाऊंगा? अनजाने में मैंने कुछ मत कहिए, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। जी, रेखा मैम साहब ने आपके लिए चाय भेजी है। लीजा जी अभी तक अभय जी के साथ है, उन्हें उठाना होगा।